हेलो गाइस, दिस इज अमित बोरकर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सम लाइफ साइंस। सो यहाँ इस चैनल पे कोई शोर शराबा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स। ओके, तो चलते हैं। सो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल, डू यू नो द वेरी वेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो न्यूक्लियस। वैसे सभी ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट ही है, बट जो मेटाबॉलिज्म, व्हाट एवर बी द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस सेल्स, जो मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, वो रहता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दैट न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटेन द क्रोमैटिन मटेरियल, एंड दैट क्रोमैटिन मटेरियल इंक्लूड द डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो व्हेन सेल एक्सेप्ट द सिग्नल्स फॉर द सेल डिविजन्स, इन अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट व्हेन सेल्स प्रिपेयर फॉर द सेल डिविजन्स, देन दिस क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्शंस। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस होने के लिए वो स्टार्ट होता है। सो हाउ देयर इज द कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल्स एंड बिकेम अ क्रोमोसोम। दिस होल प्रोसेस, माने ये जो आज हमारे पास डीएनए का थ्रेड है, यहां से लेके यहां तक की जो होल प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीएनए पैकेजिंग, उसको हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। सो दिस क्रोमैटिन मटेरियल्स, आई एम टेकिंग अ डीएनए अलोंग विद अ हिस्टोन प्रोटीन, इज नाउ मेक अ सच अ मॉडल, मीन स्टार्ट टू रैपिंग अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, वो सभी चीजें आई विल मेक अ एक्स्ट्रा वीडियो ऑन अ डीएनए पैकेजिंग। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आज हम उसी के लिए बात करेंगे। सो ये सेल्स, इस सेल को सिग्नल्स मिल गए, ये सेल्स अभी क्या कर रही है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो उसमें जो कुछ भी क्रोमैटिन मटेरियल है, वो क्रोमैटिन मटेरियल जहां पे डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, उसमें जो डीएनए का जो थ्रेड होता है डबल हेलिक्स का, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए हैविंग द डबल हेलिक्स, वो 2 mm, अभी उसका अगर हम देखते हैं डायमीटर तो 2 nm का है। ठीक है, ये फर्दर इस तरह से, दिस मॉडल इज कॉल्ड द बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके राउंड में ये रैप हुए हैं, फिर दूसरे इस तरह से बिट्स जैसे दिख रहे हैं, तो इसे कहते हैं बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल विच हैविंग द 11 nm डायमीटर। सो ये सभी चीजें डीएनए पैकेजिंग में आते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल मेक अ एक्स्ट्रा वीडियो फॉर दिस। सो इस तरह से एक बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बनेगा, सोलोनॉइड मॉडल बनेगा, देन लूप स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से फाइबर स्ट्रक्चर बनेगा, एंड फाइनली एट द फुल मेटाफेज वी कैन सी अ दिस टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। कहां पे? फुल मेटाफेज में हमें इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखाई देता है। कितना? 1400 nm का जो डायमीटर रहता है उतना हमें क्रोमोसोम वी कैन सी एट द फुल मेटाफेज। ओके, सो ये सभी चीजें होती रहती है और हमें मेटाफेज में इस तरह से क्रोमोसोम मिलता है। सो ये मेटाफेज में, लुक हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रोमोसोम, सिंगल थ्रेडेड क्रोमोसोम किस तरह से। सो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल थ्रेड वाला क्रोमोसोम जो है, यहां पे हमें दो आर्म्स दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहां तक एक आर्म्स, यहां से लेके यहां तक दूसरी आर्म्स दिखाई दे रही है। दिस टू आर्म्स इज कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमैटिड, इसे क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, सो दिस टू आर्म्स, दिस वन
सॉरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस टू आर्म इज कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमैटिड. दिस आर द सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, ये जो होती है वो सिस्टर क्रोमैटिड होती है. एंड दिस सिस्टर क्रोमैटिड इज अ नाउन, लाइज साइड बाय साइड एंड हेल्ड एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट अटैचमेंट इज कॉल्ड एट द सेंट्रोमियर. ओके, दिस सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एट द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. उसे भी हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो सिस्टर क्रोमैटिड आर हेल्ड विद द सेंट्रोमियर. नाउ दिस सेंट्रोमियर, दिस सेंट्रोमियर इज नाउ कंटेन्स अ प्रोटीनियस शीथ. दिस वन, दिस हिस्टोन प्रोटीन कंटेन्स द प्रोटीनियस शीथ. दिस प्रोटीनियस शीथ इज कॉल्ड एट द काइनेटोकोर. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर. सो यहां पे मैं एक डायग्राम निकाल देता हूं इस तरह से. ये क्रोमोसोम है, दिस इज सेंट्रोमर एंड दिस सेंट्रोमर में एक प्रोटीनियस, दिस वन, दिस आर दी काइनेटोकोर. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द काइनेटोकोर. एक्चुअली काइनेटोकोर इज द प्लेस, इज द साइट वेयर द काइनेटिक स्पिंडल्स आर अटैच, यू नो, इन एनाफेस. व्हेन अ पोलवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट, पोलवर्ड्स मूवमेंट्स, क्रोमोसोम ट्राई टू टेक द पोजिशन अपोजिट पोल्स, उस टाइम में जो स्पिंडल होते हैं काइनेटिक स्पिंडल, वो जिस क्रोमोसोम्स के जिस जगह पे अटैच होते हैं वो जगह होती है काइनेटोकोर. ओके, सो यहां पे इस तरह से काइनेटिक स्पिंडल अटैच होते हैं. एंड स्टार्ट दी पोलवर्ड मूवमेंट. क्या होती है, पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है. सो दिस इज अबाउट द काइनेटोकोर. ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यहां पे, सो लुक, यहां पे जो मैंने निकाल दिया है इस तरह से, व्हेन क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉइल, क्रोमोसोम जब कॉइलिंग होने के लिए स्टार्ट करते यहां पे, सो दिस रीजन पर्टिकुलर वेयर द कॉइलिंग इज ऑकर्स एंड मेकिंग अ लूप स्ट्रक्चर विच हैविंग अ ग्रैन्यूल्स, वहां पे कुछ ग्रैन्यूल्स रहते, दैट ग्रैन्यूल्स, अब ग्रैन्यूल्स किसके रहते, ऑब्वियसली दिस इज डीएनए थ्रेड एंड हिस्टोन प्रोटीन. दिस कंटेन्स द डीएनए प्लस हिस्टोन. This looping, this granule structure, this looping contains the DNA and histone, and such a looping due to the compactions and coiling, this structure is called as the chromomere. This structure is called as the chromomere. So got it? Chromomere kya hota hai? And now look here. This is another structure, a thread which contains the DNA, and that thread is called as the chromonema. Dusra word use hota hai yahan pe, that is chromonema. Okay, so we have the two different terms. One is the chromonema and second terms is the chromomere. So chromomere is due to the coiling. ओके, वो कॉइलिंग के वजह से होता है. जैसे अगर हम एग्जांपल के लेते हैं तो हम पॉलीटिन क्रोमोसोम में
या फिर लैम्बर्ट क्रोमोसोम में वो लूप्स फॉर्म होते हैं, दैट लूप्स वो सभी क्या है, क्रोमोमियर्स है, और विद द हेल्प ऑफ क्रोमोमियर्स की एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है क्रोमोसोम के ऊपर, पर्टिकुलर साइज रहता है, पर्टिकुलर ड्यू टू द पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर साइज दैट विल मेक दैट जस्ट दैट मेक्स हेल्प्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन और क्रोमोसोम साइज जो हम नापते हैं उसके लिए भी वो मदद करते हैं। ठीक है, क्रोमोमियर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि उसके वजह से हमें उस क्रोमोसोम का साइज पता चल जाता है, बिकॉज देयर पोजिशंस देयर साइज इज अ फिक्स इन अ क्रोमोसोम। एंड क्रोमोनिमा इट इज द ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो डीएनए थ्रेड एंड सिंगुलर क्रोमोनिमा अगर बहुत है दो है तो वो क्रोमोनिमेटा हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज सो मैं यहां पे लेबलिंग करता हूं, दिस वन इज द दिस लूप इज द क्रोमोमियर एंड सेकेंड वन इज द क्रोमोनिमेटा। ओके, सो वी हैव अगेन टू टर्म्स, क्रोमोमियर्स एंड क्रोमोनिमेटा। दिस आउटर मोस्ट कवरिंग, डू यू नो द वेरी वे, पेलिकल्स आउटर मोस्ट कवरिंग, आपको कहीं भी एक डायग्राम आप क्रोमोसोम की दिखती हो तो आपको वहां पे दिख जाएगा। नाउ दिस इज सेंट्रोमियर, वी कॉल एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सो इससे छोड़ के दूसरी यहां पे भी आप देखो और यहां पे भी थोड़ा एक नैरो एरिया है। ठीक है, ये दो रीजन्स, दिस नैरो एरिया इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, उसे हमने नाम दिया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सो व्हाट इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये होता क्या है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वन मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे टू। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू। सो होता क्या है, सो वंस अगेन मैं यहां पे पहले आपको सेल दिखा दिए। तो सेल में होता क्या है, देखो सेल क्रोमोसोम्स के अंदर सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था हमारा क्रोमैटिन मटेरियल एंड देयर इज अनदर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। वहां पे क्या है, न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इफ यू नो द सेल डिविजन्स आफ्टर द प्रोफेज व्हेन सेल गो फॉर द मेटाफेज देयर न्यूक्लियर एनवेलप एज वेल एज द न्यूक्लियोलस इज स्टार्ट टू डिसअपियर। क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है जब मेटाफेज आता है तब सेल डिवीजन का। सो वो डिसअपियर होके जाते कहां पे है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर छोटे छोटे और भी न्यूक्लियाई होंगे, छोटे छोटे और न्यूक्लियाई होती है, वो न्यूक्लियाई इज नाउ डिमिनिश इन अ साइज एंड अल्टीमेटली गेट अ डिसअपियर and occupy the position on the chromosomes and that position is called as the secondary constrictions। और उसी को हम क्या कहते हैं, secondary constrictions। I'm repeating once again। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर छोटी छोटी और भी न्यूक्लियाई होती है, वो न्यूक्लियाई जैसे ही मेटाफेज होता रहता है, ये प्रोसेस चल रही है ना, दिस डीएनए पैकेजिंग इज गोइंग ऑन। सो इस तरह से अल्टीमेटली क्रोमोसोम बना है, तो क्रोमोसोम ये अभी हम पढ़ रहे हैं, सो इस ये प्रोसीजर से ये क्रोमोसोम बना, तो क्रोमोसोम में ये भी दिख रहा है, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, जिसे हमने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन विच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो इसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, सो मैंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है एंड न्यूक्लिया होती है उसके अंदर, दे आफ्टर द प्रोफेज एंड यस फॉर द लेट मेटाफेज वगैरह उस टाइम में वो डिसअपियर होते हैं, वो डिसअपियर होके
इस क्रोमोसोम्स के ऊपर वो पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है। सो उसी को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। सो ये पोजीशंस, वो जो न्यूक्लिया होती है वो एक से ज्यादा पोजीशन ले सकती है, एक जगह से ज्यादा। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू, दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू। सो इस तरह से न्यूक्लियोल। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स? सो व्हेन दिस न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर गेट ट्रांसक्रिप्ट, जब ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, देन दे फॉर्म 80S एंड 20S टाइप्स ऑफ द RRNAs। ओके, व्हेन दिस एरिया गेट अ ट्रांसक्रिप्ट, व्हेन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर गेट ट्रांसक्रिप्ट, देन दे फॉर्म 80S एंड 20S टाइप्स ऑफ RRNAs। ओके, सो दिस इज अ मेन रोल ऑफ द न्यूक्लियोलस। नाउ नेक्स्ट रीजन इज अ दिस वन बियॉन्ड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के बाद वाला जो रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द सैटेलाइट रीजन। ओके, दिस इज द सैटेलाइट रीजन। सो देर इज अ फाइव क्रोमोजोम्स, 13th क्रोमोसोम्स, 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड 15 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 13, 14, 15, 21 एंड 22। दिस क्रोमोसोम्स, दिस ऑल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन द सैटेलाइट एंड सच अ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, सच डीएनए विच कॉल्ड द सैटेलाइट डीएनए। सो जिस क्रोमोजोम के ऊपर ये है, अब कौन से क्रोमोजोम के ऊपर है, कहा मैंने जो क्रोमोजोम पेयर हमारी है, कौन सी, 13th वाला क्रोमोजोम, 14th वाला, 15th वाला, 21 एंड 22, ऑल दीज आर क्रोमोजोम आर द एक्रोसेंट्रिक। सो उसमें सैटेलाइट डीएनए रहता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द सैटेलाइट डीएनए? सो सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट क्रोमोजोम्स कंटेन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, उसके वजह से वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन, दैट मीन्स इन अ डीएनए फिंगरप्रिंट्स वी कैन यूज द सैटेलाइट डीएनए। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द सैटेलाइट डीएनए। एंड फाइनली वी हैव अ रादर स्ट्रक्चर दैट इज टीलोमर। दिस टीलोमर इज आल्सो वेरी एट द बोथ एंड, हाँ, क्रोमोसोम के दोनों एंड पे, ऐसा नहीं कि एक ही एंड पे हो, बोथ एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स हैविंग द टीलोमर्स, टू टीलोमर्स दोनों एंड पे, ठीक है, इस तरह से रहते। व्हाट इज द टीलोमर्स? टीलोमर्स इज आल्सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या करते, इट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम के थ्रेड है, इन दो क्रोमोसोम के थ्रेड को एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होने देता, ये प्रिवेंट करता है, बिकॉज दिस एंड कंटेन्स द टीलोमर्स, दिस एंड आल्सो कंटेन्स अनदर क्रोमोसोम है द टीलोमर्स, ठीक है। या दिस एंड अगर यहां से ये भी है, यहां पे भी टीलोमर्स है, यहां पे भी टीलोमर्स है, तो ये दोनों एंड जो होंगे वो किसी दूसरे क्रोमोसोम्स को यहां पे इस तरह से क्या नहीं होंगे, अटैच स्टिक नहीं होंगे, और इसके वजह से दिस क्रोमोसोम्स विल मेंटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते रहेंगे। टीलोमर्स इज आल्सो यूज इन कैंसर, मतलब कैंसर में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। टीलोमर्स जैसे सेल रेप्लिकेशन होता है, सॉरी डीएनए रेप्लिकेट होता है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से, जब रेप्लिकेशन फॉर्म होता है इस तरह से, सो एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, आपने देखा होगा। सो दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज द ओके, इस तरह से आपने पढ़े होंगे, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज लैगिंग,
तरह से दो स्ट्रैंड होते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो लीडिंग स्ट्रैंड पे 5' to 3', यहाँ पे जो आप देखेंगे 3', then 5', and 5', रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट 5' to 3', ठीक है, रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट 5' to 3'। सो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड में जो होता है वो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, बट द लैगिंग स्ट्रैंड में अगर आप देखते हो तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। लुक हियर, यहां पे, सो यहां पे आरएनए का स्ट्रैंड है, ये फिर से हो गया, ये भी प्राइमर, फिर से ये हो गया, माने ये टूटा टूटा फॉर्म होता है टुकड़ों में, ओकाजाकी फैक्टर्स बाद में आप पढ़ोगे उसे। सो चलो हमारे पास अभी दो स्ट्रैंड है, आफ्टर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस वी हैव अ वन डीएनए स्ट्रैंड एंड वी हैव अनदर डीएनए स्ट्रैंड लाइक दिस, ठीक है। और अगर हम यहां से ये प्राइमर रिमूव कर देंगे इस तरह से हम प्राइमर रिमूव करते हैं, अगर इस तरह से मैंने ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, तो इस तरह से मैंने अगर ये प्राइमर रिमूव कर दिया यहां से ये प्राइमर, तो कंपैरिजन के लिए इफ आई एम कंपैरिजन दिस अ लैगिंग स्ट्रैंड विद अ लीडिंग स्ट्रैंड, ओके दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड विद अ लैगिंग स्ट्रैंड, देन दिस इज अ वेरी स्मॉल इन साइज। सो ये ऐसा ही चलता रहेगा, दिस प्रोसेस इज कीप गोइंग ऑन, देन अल्टीमेटली एक ऐसी पोजिशन आ जाएगी कि वो जो क्रोमोजोम है, वो जो डीएनए का जो कुछ भी बना हुआ है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इस तरह से सेल्स खत्म हो सकती है, सेल डाई हो सकती है, व्हेन देयर इज अ नो टेलोमेरिक एक्टिविटी ना, देन सेल इज स्टार्ट टू एजिंग। सो इसलिए क्या होता है यहाँ पे ना, ये बाद में एक तरह इसमें टेलोमर्स अटैच हो जाते हैं उसके एंड में, किस लिए, इस और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके जैसा ही बनने के लिए, उतने ही लेंथ का बनने के लिए टेलोमर्स उसको एडजस्ट हो जाते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने जो कुछ भी आपको बताया, तो आप ये इसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा जब रेप्लिकेशन आएगा तब मैं बताई दूंगा, बस आपको अभी थोड़ा बता रहा हूं कि क्या होता है, ठीक। सो दिस इज अबाउट द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाद क्रोमोजोम्स में हिटरोक्रोमैटिन होते हैं, यू क्रोमैटिन किस तरह से दिखा नेक्स्ट वाला लेक्चर में बनाने वाला हूं, ठीक है। सो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश, एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, तो मुझे चीजें थोड़ी समझ में दिक्कत हो रही है, सो इसके बाद वाले में सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो गाइज कीप सपोर्टिंग मी, वंस अगेन थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।